और वाइट गाईज वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक् के बारे में नहीं 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 मजाक कर रहा हूँ सॉरी बॉय सॉरी यार हम ट्रांसफर टारगेट्स के बारे में बात करने वाले हम डन डील्स के बारे में बात करने वाले हम बार्सिलोना के फाइनेंशियल मेस के बारे में बात करने वाले और हम यहाँ पर रियाल मडरूड के इनसेन पर सूट्स के बारे में बात करने वाले हैं सो भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेक श्योर करना सब्सक्राइब कर देना आराम और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इससे कोई वैल्यू मिलती हो और आप मेरा ये थोड़ा रोज देखना चाहते हैं तो बात किया जाए अगर बार्सिलोना की क्योंकि भाई ऑब्वियसली यार यूरोस्कोप अमेरिका के बाद तो भाई अपना दिल एक ही जगह है जो कि भाई कनेक्ट होता है धड़कता है वो है एफ बार्सिलोना जो कि आपकी धड़कन तेज करा देती है चाहे जो भी हो हम लिंक्ड है विथ निको और भाई डेको ने जारागोसा जाके यहां पर जो इस निको विलियम्स का हराम जो एजेंट है इसका नाम है फिलिक्स तैंता उसके साथ मीटिंग करके आए हैं तो भाई निको के लिए ना हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं विच इज इन माई ओपिनियन वेरी गुड थिंग बट बात यही खत्म नहीं होती है मुझे लगता है कि लपोटा कहीं ना कहीं आपको मक्खन लगा रहा है और उस मक्खन में आ फील कर रहे हैं भाई ओ यार क्या बटर लगा रहा है भाई बंदा हमें यार निको को ला देगा बट बॉयज बो, अभी यार तुमको पता है भाई डीएम के विदाउट क्या क्या होगा मतलब ओरियल बात कर रहे हो मेरे भाई हु इज बी द गाय जो हमारे डीएम पोजिशन में खेलेगा एक बार का सोच लो सोच लो भाई स्टिल यमाल ऑन द राइट विंग ठीक है भाई फेरिन तोरस आपके पास है लेवाडोस के आपके पास है लेफ्ट पे चलो भाई रफीनिया खेल लेता है खेला है भाई पिछले मैचेस में और भाई आपके पास फिर भी अनसू फार्टी है स्टिल फेलिक्स जा चुके हैं हमारे पास एक रिप्लेसमेंट है आप सी थ्रू कर सकते हो सीजन गिर पड़ के खेच के भाई अब अपटॉप ले रॉके है तो पता नहीं क्या होगा बट आप खींच लोगे विदाउट अ निको विलियम यस यू आर मिसिंग आउट ऑन अ ग्रेट टैलेंट बट विदाउट अ डीएम आपका फिर वही से आरआर आर लगेगा आरआर आर का फुल फॉर्म पता है ना क्या होता है रोना वो लगा रहेगा बेसिकली आपके लिए उस फिलोसफी में आपको हार्ड वर्किंग मिडफील्डर चाहिए मतलब गावी इंजर्ड पेड्री इंज्यड फ्रिंकी इंज्यड और डिफेंस में बात करो तो अरोह इंज्यर्ड है चलो भाई डिफेंस में आप फिर भी काम निकाल लो ठीक है अभी हमारे पास क्रिश्चनसन कुबारसी खूंडे प्लेयर्स हैं जो कि खेल सकते हैं है। बट फील्ड में क्या करोगे यार आप गिर पड़ के वही सेम से नारे हो रहे हैं तो आई एम कॉन्ड ऑफ वेरी कंसर्ड बट ऑल्सो एक्साइटेड कि भाई मे बी इन द राइट वे हम वर्क कर रहे हैं निको की साइनिंग डन हो सकती है फिर हम अपनी नेक्स्ट साइनिंग पे वर्क करेंगे बट बॉज इट्स नॉट दैट सिंपल क्यों नहीं सिंपल है बिकॉज बार्सिलोना को अभी भी वो अप्रूवल नहीं मिला है कि वो प्लेयर्स साइन करें भाई साइन छोड़ो अपने प्लेयर्स को अभी पहले रजिस्टर करना है अपने कहा तो sure जब तक बारसा कोई सेल नहीं कर सकती वो साइनिंग नहीं कर सकते तो हम अभी तो रजिस्टर नहीं कर पा रहे बट बॉयज इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंटिट है कि भाई हम अच्छी साइनिंग्स करें एटलीस्ट दो में से एक है डीएम और एक है आपका निको जो लेफ्ट फिंगर है मैं ऑनेस्टली बताऊं इससे ज्यादा मेरे ख्वाब नहीं है आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग मोर देन दिस बिकॉज भाई इस साल हमने सब कुछ अचीव कर लिया में से कोपा जीत लिया है हराम को यमाल ने यूरो जीत लिया बल्ले बल्ले तो मतलब अगर अगेन आपको अगर एक कॉम्पिटेटिव टीम बनानी है ताकि आप रियाल की उस मॉन्स्ट्रस टीम को कम्पीट कर पाओ हमारा करो किल एवरी वन वो रुक नहीं रहे ट्रेंड ट्रंट के लिए जा रहे हैं तो बाबा एटलीस्ट यू नीड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स अब जहां तक बात है भाई यहाँ पे हमारे प्लेस जो इंजोर्ड है यार दिक्कत है यार मतलब प्री सीजन में नहीं रहेंगे ऑल दो हमारे पास पापलो तो रहे हैं जो कि लोन से वापस आ चुके हैं हमने देखा नोआ दार्विज पे अच्छा स्पेशल अटेंशन पे कर रहा है यहाँ पे हमारा मैनेजर तो भाई दार्विज को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ बट को बहुत करने वाला है, जो खेल रहे को भी मौका मिलेगा बाकी अलेक्स वाले ट्रेन कर रहे हैं टोनी हमारे साथ ट्रेन कर रहे हैं यंग प्लेयर्स गिली हमारे साथ ट्रेन कर रहे हैं बाल्डे वापस आ चुके हैं तो ये सब प्लेयर है इंजरी है उनका फ्रैक्चर हो गया तो सर्जरी करवाने वाले हैं एक

बट तू हमारे तो साइन था बट हमने बोर्ड दिया है लाइक वी डोंट नीड यू हेयर उस बंदे से नंबर लेके दे देना चाहे जो भी कहो यार आपको यमाल को 90 नंबर देना था आपने वीतर रॉके से लेके दिया उस बंदे के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है अगर ही इज नॉट बी इन योर टीम, तो आप भाई उस बंदे से कन्वे करो सेल करने का फिगर आउट करो क्योंकि आपने पहले तो हागा है, भाई मोटी है यार ऐसे थोड़े ना कि आपने को दस मिलियन में ला लिया आपने ओवर मोर देन फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी मिलियन स्पेंड किया है तो आपको भाई कैटर करना पड़ेगा लेट मी टॉक अबाउट मिडफील्डर्स मेरिनो

ंक दट इज अ वेरी गुड साइनिंग फॉर अगर हम कर पाते हैं मेरा आंसर अभी टू मतलब आर सो अंडरेटेड ये ये जा जाती भी है तो स्पेंड नहीं किया वो बड़े मूव नहीं कर सकते जुबी मंडी वाले तो भाई इनको तो भाई डन करो मिकिलोले बहुत इंपॉर्टें प्लेयर रहेंगे आई होप किसा साइन इन करें स्पेशली क्योंकि हमारे प्लेयर इंजर्ड है बाद में आ जाएंगे भाई ठीक है बट हिल एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज इन अ टीम क्योंकि आई स्टिल डोट नो कि मैं कितना ट्रस्ट कर

इज इनफ इन माई ओपिनियन यूनाइटेड को भी इससे बेहतर और साइंस करनी पड़ेंगे एटलीस्ट दो उन दो में एक मैं कहूंगा है Again, और मैनचेस्टर की सेम प्रॉब्लम है बट यस ही पता नहीं कुल साइन करने वाले बट इसके अलावा भी उगाट इज आई थिंक एक वुड बी वेरी गुड साइनिंग फॉर मैनचेस्टर उगाटे एक डिसेप्टिव बॉल विनर रहेगा उसकी पासिंग भी हमने देखी है लावा पता है क्या एक और कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे देखो राइट विंग पे दे हैव गॉट एंटोनी टू तो प्ले बट हम सबको पता है एंटोनी के वो गोल्स लाता नहीं बंदा वो गोल्स निकाल नहीं सकता उतने हमारे पास सांचो है आई डोंट नो कि भाई सांचो को वो सेल करेंगे नहीं करेंगे बट जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं भाई लग रहा है कि सांचो रुकने वाला और अमर डियालो है भाई ये तीन प्लेयोग को राइट में खेल सकते हैं पता है क्या अगर आप इनमें से सांचो को सेल करते हो आउट स्टिल से अगर एंथोनी को आप निकाल पाते हो बहुत अच्छा होगा आपके लिए गोवन साइन अ राइट विंगर बहुत अच्छा हो जाएगा रेली में आपके पास लेफ्ट पिगर नाचो है जो कि खेलेंगे राशव रुक रहे हैं अगेन आई डो नॉट डो नॉट नो वाई बट वो बंदा लग रहा है कि रुकेगा अब तो आप अपने जर्जी साइन किया है बट बताया क्या जर्जी इज नॉट अ गो कि शायद आई कुड भी रॉन्ग मे बी इन दी एंड बट वो ट्वेंटी गोल्स सीजन वाला शायद बंदा नहीं है He's more of a creative center forward. ठीक है वो केन जैसे और फिरो जैसी यू नो उसकी अबिलिटीज है बट फॉर एवरी केन देर हैज टू बी अ विंगर ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड सोन होना चाहिए फॉर एवरी फर्मिनो मोर माने होने चाहिए उसके साथ तो जोकसी के साथ मुझे ऐसा लगता है इफ यू हैव टू प्ले हिम अप टॉप एज अ नाइन टॉप का वो ना गोल स्कोरिंग विंगर्स चाहिए अगर तो नाचो फिर भी कर देता है राशोड़ भाई अपने अगर पीक सीजन हो गया तो भाई कर देगा बट यार राइट विंग पर अगर उसको बंदे को एक अच्छा प्लेयर दे दो ना आई थिंक दैट दट वेरी गुड और कहीं ना कहीं मे बी होलुड के साथ आप उसको खिला सकते हो फोर फो टू में भी तो दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे बट मुझे लगता है यूनाइटेड को इनको साइन करना चाहिए और अगर वो इसके अलावा डेलेट को भी ला देते हैं भाई तो भाई मजा आ जाएगा लेजेट मजा आ जाएगा तो ये हो गई बेसिकली आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज बट भाई मडरेट आई डोंट थिंक सो दे आर डन येट मडरेट ने किले नंबापे को अनाउंस कर दिया है दे आर ब्रोक इन दॉट नॉट बट जैसी रिपोर्ट्स है मडरेट स्टिल विल बी इन द मार्केट की प्रोबेबली एक राइट बैक ला पाए अब ट्रेंड क्योंकि अपने लास्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं विदोपल आई डोंट नो भाई ट्रेंड क्या कर रहा है आराम कोर साइन कर ले कॉन्ट्रैक्ट रुक जा या तो फिर यू नो यू कैन मूव आउट एंड मडरट भाई ओपन है इफ़ यू विल शो अ लिटिल बिट ऑफ एक रिएक्शन टू मडरिड भाई पापा पेरे जाएंगे कट हटाएंगे तो भाई आप आ सकते हो और भाई ये कितना बुरा हो सकता है लिवरपूल के लिए पता है तुम्हें मतलब लजेट इट वुड बी रियली रियली बैड लिवरपूल का वो प्राइम एसेट है भाई वंडर के डे है भाई उनके लिए वो तो तो अगर ट्रेंट एक मतलब कट प्राइस डील में मडरिट जाते भाई लिवरपूल के बहुत बुरा होगा उसको भाई अच्छे से डील करना चाहिए था उनको प्रॉब्लरी उसको साइन कर देना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट पे देन बेचना चाहिए था बट भाई भाई वो पूल अपने यंगस्टर्स को ऐसे बेचने के लिए लगी होती नहीं है और मॉडर जैसी टीम अगर आती है भाई कॉल आउट करती है तो भाई आपका प्लेयर का भाई ठेक थर, है फड़फड़ाने लग जाता है उसका तो लेट्स सी की एक्जैक्टली क्या सीन होगा यहाँ पर बट बाकी इसके अलावा और कई सारे ट्रांसफर रिगार्डिंग न्यूज है जो मैं बात करूँ सबसे पहले तो भाई मॉडर्स ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है और दूसरा रेबियो फ्री एजेंट हो चुके हैं एन हिल भी लिविंग यूए क्योंकि ट्यून कूप मीनर्स को साइन करने वाली है यहाँ पे यूवेंटिस तो वॉच आउट फॉर दिस स्पेस और सूले जो उनका प्लेयर था जो लोन पे था भाई हाई रेटेड प्लेयर है पता है राइट विन

तो हुमल्स टू बोलोगना हो जाएगा इसके अलावा पता है एक प्लेयर है शायद आई थिंक जो फुटबॉल मैनेजर या फीफा खेलते हैं ना उन लोगों को इस बारे में इसके प्लेयर के बारे में पता होगा ये एजिल फर्नांडिस नाम का प्लेयर है मैंने आई थिंक आपको एक साल पहले बताया था इस प्लेयर के बारे में बोका जूनियर्स का नाम थिंक विद दिस ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइज डीएम्स इन साउथ अमेरिका ट्वेंटी वन ओल्ड है और सबसे बड़ी बात इस बंदे का रिलीज क्लॉज बहुत कम है अराउंड फिफ्टीन मिलियन डॉलर रिलीज क्लॉज है मार्सेल के बिट को ऑलरेडी उन्होंने रिजेक्ट किया था और एक और टीम है जो है अल कादसिया कतकतरी टीम है तो ये भी उसको साइन करना चाहती है आई थिंक दे आर रेडी टू ब्रेक द बैंक फॉर दिस गाय ना वाई एम सडनली टॉकिंग अबाउट अ रैंडम साउथ अमेरिकन प्लेयर बिकॉज ही इज नॉट जस्ट एनी रैंडम साउथ अमेरिकन प्लेयर यू नो ही इज अ गुड टॉप क्वालिटी डीएम लिवरपूल इंटरेस्टेड है साइन दिस गाय तुम भाई भी देखना है बंदा यूरोप मैं तो चाहता हूँ यूरोप आए पहले तो कहीं भी जाए यूरोप में बट यूरोप आए बिकॉज आई वॉन्ट द पीपल टू कीपना ऑन दिस गाय बिकॉज गाबी वेगा वाला सीन हो गया बंदा गाय भी हो जाएगा कोई ध्यान नहीं रख पाएगा भाई क्या वो कैसा खेल रहा है कॉम्पिटिशन लेवल क्या है ठीक है तो ये बंदा भाई टॉप प्लेयर है देखना साथ ही साथ यहाँ पे विक्टर ओसमिन को ग्रीन लाइट मिल चुकी है कि वो पीएच के साथ अपनी नेगोशिएशन करें और यहाँ पे उसी साइड आप देखोगे ना कि नैपोली कहीं ना कहीं लुकाकू को साइन करने के लिए देख रही है कि अगर ओ जाते हैं यहाँ पे नैपोली से पीएचडी जाते हैं जो कि आई थिंक एक हेफ्टी अमाउंट दे सकती है उसके

बुंदेस लीगा जीता है तो उनको भाई अपनी टीम को इंप्रूव करने ही करना है तो भाई टेरियर के साथ और भाई अच्छी साइनिंग है बाईस मिलियन यूरो की यार बहुत ही प्यारा मुझे बहुत मजा आ गया आई थिंक जाबियल अगेन इस कुकिंग एयर लेट्स सी क्या होता है एडम लोजक की न्यूज थी कि भाई शायद ही बट अभी तो पता नहीं क्या होगा इसके अलावा भाई मूसा दिया भी भाई अल एतिहाद बिल्ड कर री मूसा दियाबी को साइन करने को और जैसे ही रिपोर्ट से भाई ये डील डन हो जाएगी हौसम ओवार को उन्होंने साइन कर लिया है अल उठाने वाली आसमिन से दियाबी को अब कितना वैल्यू होगा आई थिंक बहुत ज़्यादा वैल्यू तो नहीं है बट वॉच दिस स्पेस इसके अलावा भाई जो बंदे हैं आउट फॉर द मूव हो सकते हैं जावि सूमोन हो सकता है जॉन निवेज हो सकता है डैनियलमो के भाई रिलीज लॉज है सिक्सटी मिलियन जीरोज़ का तो सिटी भी इससे इंटरेस्टेड थी साइन करने के लिए भाई इसको भी देखना साथ ही साथ लास्टली इवान रैकेटिच यूरोप वापस आने वाले हैं भाई जिस क्लब पे वो थे वहाँ पे वो कह रहे हैं भाई मज़ा नहीं आ रहा मुझे यूरोप वापस आना है सो भाई ये देखो क्या होता है इसके अलावा लास्टली आई थिंक मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा इस बारे में बात करूँ इसलिए मैं इस बारे में बात करूँ आपको पता है कि इस तरीके के पॉलिटिकल और चोरी वाले चीज़ों में मैं बात नहीं करता हूँ मजबूर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल परस्पेक्टिव ऑफ द गेम बट दिस नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट वॉट हैज़ हैपेंड विद अर्जेंटीना टीम वर्ल्ड दे सेलिब्रेटिंग ऑन द बस जहाँ पे एनजो फर्नान्डेस ने वो लाइव स्ट्रीम की जहाँ पे प्लेयर्स ऑफ अर्जेंटीना वो कॉट सिंगिंग दो रेशियल स्लर्स एंड चांस्स मेरे ओपिनियन में कतई गलत है कतई गलत है ठीक है आप लेजेड एक वर्ल्ड चैंपियन हो आप एक यंगस्टर हो जो कि कई बच्चों के लिए आइडल है एनजो फर्नाडेस यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड ली जीते थे आप पे वर्ल्ड कप में एंड जो हेट मिल रही है एनजो को भाई साहब गंदी है देखो ऑल दो बंदे ने आके अपोलोजाइज किया ठीक है अपोलोजाइज कर लिया बट आई थिंक पनिशमेंट इज नॉट इनफ मेरे ओपिनियन में तुम फाइन कर दोगे तुम उसको बू कर दोगे तुम उसको पनिश कर दोगे ठीक है तुम उसको सपोर्ट करना छोड़ दोगे जब तक वो चीज वो बंदा ना अंदर से फील नहीं करेगा ना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है यहां ये जो टॉप प्लेयर्स है और खास कर भाई ये यंग प्लेयर्स है भाई तुम ये टॉप प्लेयर्स को जो बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स है उनको ये करते नहीं देखोगे आपने वो क्लिप देखी होगी यहां पर जब कोपा अमेरिका अर्जेंटीना जीती थी मारा खाना पे तो प्लेयर्स दे स्टार्टेड टू चांस समथिंग अगेंस्ट ब्राजील एंड मेसी और गोरो मना किया कि भाई नहीं नहीं भाई ये होती लीडरशिप और यहां पे जो कुछ इस तरीके के यंग प्लेयर्स है इफ दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू डू ऑल ऑफ दिस ये ही मेरे हिसाब से गलत है तो भाई मुझे पता है ने कहा भाई वो स्पर ऑफ द मोमेंट था यूफोरिया में वो चीज कह दिए जो कि भाई नहीं करनी चाहिए भाई आपको लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है और आपका जो सक्सेस है परफॉर्मेंस है ना वो आपकी पर्सनैलिटी से डायरेक्टली लिंक होता है सर तो आप चाहे जितना भी अच्छा काम कर लो इफ यू डू दिस इफ यू डू ऑफ रेशियल स्लर्स भाई आज के जमाने में ये स्टैंड नहीं करेगा सो so चेल्सी ने जो स्टेटमेंट दिया भाई बेटर होता ना देते इतना डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ना आई डो नॉट अंडरस्टैंड विस साइड दे आर ऑन बंदे ने कहा अपोलोजाइज कर लिया तो मतलब क्या बात खत्म है भाई यू नीड टू टेक एक्शन और भाई फ्रांस का फेडरेशन ऑब्वियसली यहां पे एक्शन लेगा बट इट्स जस्ट नॉट अबाउट एनजो बॉयज यहां पे गलत मत समझना पूरा फेडरेशन में जो भी लोग थे वहां पर उनपे सैक्शन पढ़ने चाहिए फाइन देना चाहिए एंड भाई उनसे

महेंद्र सिंह धोनी थे ना वो उन्होंने वो सिगार या वो हुक्का वाली वो फोटो डाली थी या जो भी था उनको कैच कर लिया गया था देखो क्या सीन बना उनके साथ तो भाई ये जो इस तरीके के लोग होते हैं भाई उनकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है जब वो इस तरीके की चीजें करते हैं भाई तो ये अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है एंड इवन दो वो हुक्का फूकना वो गलत नहीं बिकॉज दैट्स नॉट अब्यूजिंग इन इवन दैट स्टिल इंपैक्ट यंगस्टर्स यंग भाई आपके अगर वो आइडल हैं तो आप सोचो वो कैसे उनके ऊपर एक इमेज बना रहे हो बट दिस दिस इज वर्स दिस इज वे वे वर्स ये तो भाई आप तो गलत गाली दे रहे हो लेना उन प्लेयर्स को तो ये तो नहीं करना चाहिए तो भाई दैट इज दैट मेरे ओपिनियन में तो उनके साथ नॉट जस्ट पनिशमेंट बट उनको वन ओ वन एक काउंसलिंग दीजिए आप बैठाइए कहिए कि भाई ये चीजें गलत है आप मत करो कभी भी बिकॉज बहुत ही गंदा एक आइडिया लगता है यंग प्लेयर्स को जो कि देख रहे हैं बच्चों को जो कि देख रहे होते हैं उनको लगता है ये कूल है कूल cool है यहां पे दूसरी टीम के डिसरिस्पेक्ट करना और जिससे मैं बहुत ऑफेंड होता हूं भाई तुमको पता है आप अपनी टीम की जितनी तारीफ कर सकते हैं करिए कोई दिक्कत नहीं है आप गाइए गाना गाइए रात भर गाइए बट जब आप उसमें अपने सेलिब्रेशन में सामने टीम को प्लेयर को डिमीन करना स्टार्ट कर देते हो आई डोंट लाइक इट आई डोंट अप्रिशिएट इट एंड दैट ठीक है बाकी आप मुझे बताना इस बारे में अभी के लिए बहुत शुक्रिया वीडियो से वैल्यू मिला तो लाइक कर देंगे एंड कमेंट जोर से करेंगे कोई ट्रांसफर मैंने मिस किया तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आप लोग देख लोगे यार थैंक यू सो मच एंड बॉयज प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे पिछले वीडियोस देखिए मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में एंड आप जो भी वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा कि मैंने आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं सो थैंक यू सो मच वेल तो मैं वेरी सुन तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट